Hello everyone, today I am bringing a new series for DAV class 8 students of science, and I will be teaching from the book The Living World. So let's get started with our first chapter, that is the cell, its structure and functions. So सबसे पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सेल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर उसके फंक्शंस के बारे में. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल. सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? अब हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे इन छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिन्हें कहते हैं सेल. सेल की डेफिनेशन होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब सेल जो है वो सबसे छोटा सब्सटेंस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उनके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है. मतलब स्ट्रक्चर का काम भी सेल करता है और फंक्शंस का काम भी सेल करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये बेसिक सेल की डिफिनेशन है. अब डिफरेंट सेल्स, जो अलग अलग सेल्स होते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग फंक्शन होता है. इसीलिए हमने देखा हमारे भी जो हम अपने ह्यूमन के उसमें देख लें, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बॉडी पार्ट में अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये हमने सेल के बेसिक पढ़ा. अब हम देखते हैं ये सेल डिस्कवर कैसे होता है. हम देखें तो सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते. नेक्ड आई मतलब नॉर्मली, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम सेल्स को नहीं देख सकते. तो सेल को डिस्कवर कैसे किया गया? इन 1665 इस ईयर में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क. कॉर्क जो होता है वो होता है ट्री, जो होता है ट्री उसके उसकी ट्रंक के ऊपर जो छोटा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा जो पार्ट होता है जो इजीली ब्रेक हो सकता है उसे कहते हैं कॉर्क. तो उसमें जो रॉबर्ट हुक था उसने कॉर्क ली, थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क ली और उसे सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो उसी ने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था हाई पावर माइक्रोस्कोप, उसके अंदर उसे देखा. तो उसने देखा एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, हनीकॉम मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं, उसका रफली स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा कुछ होता है. तो उसने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर. अब लेटर उसने तब बस ये देखा कि कॉर्क है उसके अंदर ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, उसने इसके आगे कुछ नहीं बोला. फिर जब आगे डिस्कवरी हुई तो ये देखा गया कि ये जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली डेड सेल्स हैं बाउंडेड बाय अ सेल वॉल. मतलब ये डेड सेल है और इसके अराउंड जो ये उसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दे रहा था ये था उसकी सेल वॉल. अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल वॉल क्या होती है. आगे हम चलते हैं वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी मैंने बोला सेल के अलग अलग नंबर्स होते हैं, शेप होता है, साइज होता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल नंबर, वेरिएशन इन सेल नंबर. अब हमने आसपास देखा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं. जैसे कि जिराफ है वो जायंट होता है, एलिफेंट बड़ा होता है, ह्यूमंस कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, डॉग्स और छोटे होते हैं. और अगर और माइक्रो वर्ल्ड में आ जाए तो फिर अर्थवर्म्स थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अमीबा. तो अब ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट साइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सेल्स. अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग साइज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग होते हैं. जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे किसी में वो उतना ही बड़ा होगा, उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा. और नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी कैन डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. अब एज द नेम सजेस्ट, यूनिसेल्युलर का क्या मतलब है? यूनिसेल्युलर मतलब यूनि मतलब सिंगल सेल, सिंगल और सेल्युलर मतलब सेल. तो यूनिसेल्युलर हो गए ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है उसे कहते हैं यूनिसेल्युलर. और उसके एग्जांपल हो गए अमीबा और पैराफिशियल. यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक सेल से बना होता है. अब एक सेल से बना है तो ये मतलब एक सेल से बना है तो हम देख सकते हैं कि इसके जो फंक्शंस होंगे, स्ट्रक्चर होगा बहुत ही सिंपल. अब सिंगल सेल है ना, क्या एक अकेला सेल क्या क्या कर लेगा? तो इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा काफी सिंप्लीफाइड होगा एज अमीबा. अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होता है काफी सिंपल होता है. उसके बाद आते हैं मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर होता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल होते हैं और वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और डायरेक्ट मिलियंस में भी पहुंच सकते हैं.
organisms made up of many cells are called multicellular. Example, हमें देख लो humans, we are multicellular. Birds, animals, everything is multicellular. And amoeba and paramecium are unicellular. ये हमारा first basis था, that was cell number. Second हम देखते हैं cell shape. अलग अलग cells की अलग अलग shape होती है. ये अगर थोड़ा सा visible नहीं है, the shape of a cell differs not only in different organism. मतलब जो shape of cell है वो अलग अलग organisms में ही अलग अलग नहीं होती, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन्स में भी अलग होती है. जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप अपने आप को किसी डॉग से कंपेयर करो, आपका साइज उससे काफी बड़ा है, आपका स्ट्रक्चर उससे काफी अलग है. अब आप अभी देख लो डॉग और अपने आप में. अब अगर आप अपने आप में ही देखोगे तो आपकी लेग्स में और आपके हैंड्स में काफी फर्क है ना. शेप ऑफ द सेल आपके अपने बॉडी में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग है. ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग सेल्स की शेप ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक फोटो लगा रखी है. इसमें क्या है, ये इमेज में नर्व सेल, ये सारे टाइप के, मतलब लगभग सारे टाइप के लीवर सेल, फैट सेल, स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल और रेड ब्लड सेल्स, ये पांचों तरीके के सेल हमारी सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब देखो एक ही बॉडी में पांच अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं. नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है जो ब्लड ट्रांसफर में और मैसेजेस वगैरह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. फैट सेल्स होते हैं, लीवर सेल होता है और रेड ब्लड सेल्स होता है. इन सबका शेप जो है वो अलग अलग होता है. एक ही बॉडी में इन सबका शेप अलग अलग है. बाकी अमीबा मैंने आपको बताया सिंगल सेल्ड है, बहुत ही बेसिक, सब कुछ भी बना दो ये अमीबा ही लगेगा. आप इसका कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये हमने क्लासिफाई करा किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप. अब ये डिफरेंस होता क्यों है, दीज डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू. ये डिफरेंस होता है ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू. अब नर्व सेल है, उसका फंक्शन क्या है कि उसे लंबे, मतलब हमारी बॉडी में फुट से लेके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है. तो मतलब बताओ एक सेल के लिए ये कितना लंबा पाथ हो जाएगा, लेकिन अब उसे जल्दी पहुंचाना है, इसलिए नर्व सेल जो होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है. अब रेड ब्लड सेल्स है, वो हमारे पूरे ब्लड में प्रेजेंट है, तो उनका साइज जो है वो स्फेरिकल है ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने साथ कैरी कर सके. रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, तो ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सके इसलिए उसका साइज स्फेरिकल होता है. अब आगे देखते हैं हम, थर्ड कैटेगरी है हमारी सेल साइज. अब सेल्स का जो साइज होता है ये भी वेरी करता है. Of course, vary करेगा. Cell vary considerably in their size. अभी मैंने आपको बताया nerve fiber जो होता है वो काफी बड़ा होता है, और जो red blood cells होते हैं वो nerve fibers के comparatively छोटे होते हैं. अब smallest cell और longest cell ये आपको याद रखनी है. Smallest cell होता है PPLO. इसकी full form याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे होती है pseudopneumonia lowest, और इसे हम कहते हैं mycoplasma. PPLO also known as mycoplasma. और ये होता है 0.1 माइक्रोन के, और एक माइक्रोन होता है 10^-6 मीटर. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर भी सकते हो, स्यूडोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. मैं लिख देता हूँ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट पीपीएल लगा कर लो. स्यूडोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब हो गया फॉल्स न्यूमोनिया जैसा एक ऑर्गेनिज्म. PPLO स्मॉलेस्ट सेल होता है, और लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है एक ऑस्ट्रिच का एग. ऑस्ट्रिच का एग जब होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और वो एक लार्जेस्ट सेल होता है जिसका डायमीटर होता है 170 मिलीमीटर. अब देखो इसमें कितना डिफरेंस है, एक तो है 0.1 × 10^-6 मीटर का, मतलब इतना छोटा, और एक है 170 मिलीमीटर का, तो इन दोनों के बीच काफी डिफरेंस हो गया, जबकि ये दोनों सिंगल सेल. तो ऐसे अलग अलग सेल्स में अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज और अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल. अब एक सिंगल सेल के लिए काफी सारे पार्ट्स होते हैं. अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग प्रोटोप्लास्ट. जो सेल होता है बेसिकली उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एक प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन.
तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आउटर बाउंड्री है ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, और ये जो बीच में ये ब्लू ब्लू है ये पूरा हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अभी के लिए साइटोप्लाज्म ही कह रहे हैं, याद रखना अभी के लिए हम उसे साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी ये प्रोटोप्लाज्म होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। अब सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत नंबर ऑफ ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिलेवेंट फंक्शंस परफॉर्म करने, मतलब सेल तो स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता ही है लेकिन वो किसकी हेल्प के साथ करता है, इन सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प के साथ, मतलब जो मेन पूरा काम करते हैं वो करते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स। अब हम एक एक करके अगर पढ़ें तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, ये जितने भी लिविंग सेल है, मान लो ये बेसिक सेल से मैंने सेल बना दिया ऐसी, अब इसके पास जो ये बाउंड्री है बाहर की, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है, ये एक मतलब सबसे पहले तो ये सराउंड करता है प्रोटोप्लाज्म को, ये अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा होता है इसको सराउंड करता है ताकि ये ऐसे ही फैले ना, इसको एक डेफिनेट शेप होता है। और क्या काम करता है, ये सेलेक्टिव एंट्री होता है, मतलब सेलेक्टिव एंट्री करता है चीजों की और सिलेक्टिव एग्जिट करता है। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड मान लो, अब वो आपकी सोसाइटी के अंदर सबको तो जाने नहीं देता ना सब, मतलब पूरी पहले जिस जो आदमी से सही लगता है उसे ही को अंदर जाने देता है। वैसे एक सेरिब्रल मेम्ब्रेन भी एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, जिस चीज की सेल को रिक्वायरमेंट है उसी को अंदर जाने देता है और फिर जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसे ही बाहर आने देता है। और ये बाउंड करके रखता है, इसका एक और यूज तो ये हो गया कि वो प्रोटोप्लाज्म को बाउंड करके रखता है, नहीं तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं, मतलब ये सेल था, अगर ये चीज नहीं होगी तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, लिक्विड होगी, ऐसे ही कहीं पर भी फैल जाएगा, मतलब कोई इसकी डेफिनेट शेप नहीं होगी। और मेन फीचर इसका यही है, मेन फंक्शन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल। अब हमने अभी बात करी लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स एनिमल सेल्स भी लिविंग होते हैं, प्लांट सेल्स भी लिविंग होते हैं। अब प्लांट सेल्स में एक स्पेशल चीज होती है, एनिमल सेल्स तो देखो क्या है, हम एनिमल्स मतलब हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन बींग्स। अब हमारे में क्या होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इजिली बच सकते हैं, रेन होती है हम घरों के अंदर चले जाते हैं, ज्यादा गर्मी हो गई हम एसी चला लेते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स क्या है, वो तो अपनी जगह पे रुके हुए हैं। उनकी सेल्स को बचाने के लिए और उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर एक सेल वॉल आती है, एक एडिशनल सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल आउटर कवरिंग की तरह वर्क करती है और प्रोवाइड करती है रिजिडिटी और प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट द वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में अलग अलग वेरिएशन हो गई है उससे बचाती है और उसे एक डेफिनेट शेप साइज और सपोर्ट देती है, सेल को एक डेफिनेट शेप साइज और सपोर्ट देती है। सेकंड पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज होती है, अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म इज द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, देखा प्रोटोप्लाज्म का ही एक पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब मैं आपको बता दूं इस डायग्राम, देखो हमने अभी क्या पढ़ा, मैं इस डायग्राम साफ करूं, अब ये है न्यूक्लियस, ये चीज है न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के इस यहाँ पे जो है प्रोटोप्लाज्म का ये वाला एरिया, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हम आगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रोटोप्लाज्म में ही दो टाइप्स हो गए, साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइक इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर है
लेकिन न्यूक्लियस के बाहर है, मतलब इस वाले एरिया में, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होती है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये सारे उन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट से बना होता है जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सबसे बना होता है, अलॉन्ग विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, लिक्विड होता है, वाटर भी होता है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक यूनिक लिविंग नेचर देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एक, मतलब प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक लिविंग यूनिक लिक्विड है ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड वाटर। अब थर्ड पार्ट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब ऑफ द सेल्स। क्या है न्यूक्लियस? क्या है ये डेंस सब्सटेंस, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये बाहर किससे बाउंड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है न्यूक्लियस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड जनरली लाइज इन द सेंटर, ज्यादातर ये सेल्स के सेंटर में होता है, कभी कभी सेल्स की पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब हो गया बाउंड्रीज में भी पाया जाता है, कभी कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे भी। प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस, देखो आगे ये डेफिनेशन, प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और जो बाहर होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। सॉरी, इट हैज अ थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये ऐसे थ्रेड्स होती हैं काफी सारी जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस क्या है, सेल डिवाइड होता है, ये एक सेल है, ये मैं फिर से बनाता हूँ, ये हाइलाइटर से थोड़ा अच्छे दिख रहा। अब मान लो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर थ्रेड लाइक पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये सेल डिवाइड हो रहा है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, सेल हमेशा ऐसे डिवाइड होता है और उसके अंदर का न्यूक्लियस भी ऐसे डिवाइड होता है। तो अब ये न्यूक्लियस, अब ये सेल जो है वो दो हिस्सों में बट गया, दो अलग अलग न्यूक्लियस के साथ। तो अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इसके अंदर जो ये क्रोमैटिन है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर क्या बन जाता है, ये थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब ये ऐसे थिक थिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं थ्रेड के जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब ये तो मैंने सेल्स बनाए, ये रेड से सेल्स हैं, ये जो ब्लू है ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और ये क्रोमोसोम्स ही स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स? जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। आप सबने थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं जो अपनी मदर से मिलते हैं, कुछ होते हैं जो फादर से मिलते हैं। अब वो क्यों होता है? ड्यू टू दीज जीन्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अर्लियर जनरेशन। कौन से? एक जनरेशन में आते हैं पुरानी जनरेशन से बाय क्रोमोसोम्स, और ये किसमें होते हैं? जीन्स। मतलब जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करते हैं जीन्स का, और क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक पार्ट बचा है जो है सेल ऑर्गेनल्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसे कवर करेंगे अगली वीडियो में।